कुछ समय के पश्चात आपका रेलगाड़ी दमदम स्टेशन में पहुंच जाएगा। तो चाहे प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आपकी गाड़ी रुके, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर दो पे रुके, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे रुके, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर चार पे रुके, आपको ओवरब्रिज के द्वारा दमदम के प्लेटफॉर्म नंबर पांच की ओर चले आना है। यहाँ से आप कोलकाता एयरपोर्ट कैसे जाओगे प्रदीप्ता ब्लॉगर दिखाएगा। आप प्लेटफॉर्म नंबर पांच क्यों जाएंगे? दमदम के प्लेटफॉर्म नंबर पांच से ही दमदम बस स्टैंड का रास्ता है। पब्लिक से पूछिए कि मेरे को वाई वॉकिंग पैदल पैदल बस स्टैंड कैसे करके जाना है। वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर फाइव को क्रॉस करके दमदम जंक्शन का प्लेटफॉर्म है, एकदम आगे की ओर चले जाना है, एकदम आगे चले जाना, सब पे भी नहीं जाना है, एकदम आगे जाना है। आपको ओवर ब्रिज से भी ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना है। प्लेटफॉर्म नंबर फाइव से आगे क्यों जाना है? प्लेटफॉर्म नंबर फाइव से नीचे उतर आना है। प्लेटफॉर्म नंबर फाइव से एकदम नीचे की ओर चले आना है। रीता ब्लॉगर इसी गेट से आया है प्लेटफॉर्म नंबर फाइव को, और नीचे की ओर रोड की ओर देखिए, रोड की ओर नीचे चले आना है। प्रदीप्ता ब्लॉगर दमदम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर फाइव से नीचे उतरा है, नीचे उतरने से एकदम और नीचे रोड की ओर उतर जाना है। सामने की ओर बस स्टैंड मिलेगा, बस स्टैंड की ओर जाना है। ऊपर देखिए रेलवे लाइन है, ट्रैफिक पुलिस ने बोला यहीं पे खड़ा हो जाइए, देखते हैं लाइफ लाइन दिख रहा है, इस साइड में खड़ा हो जाइए, यहीं पे एयरपोर्ट का बस मिल जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बोला जो बस एयरपोर्ट चलाता है उसमें बैठ जाइए। ये 30B बस शायद एयरपोर्ट जाएगा, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ अभी आपको। जी हाँ, 30B बस जो है एयरपोर्ट की ओर जाता है, यही एयरपोर्ट जाएगा। 30B, 30B, 30B ये नाम बस नंबर याद रखिए। दमदम रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए 30 मिनट का टाइम लगता है, सब्जेक्ट टू ट्रैफिक जाम ऑफ कोलकाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको एयरपोर्ट के पास गेट नंबर एक बस स्टॉपेज में उतारना है। आपको गेट नंबर एक बस स्टॉपेज पे उतरना है। ये बस स्टॉपेज दिखने में कैसा होता है प्रदीप्ता ब्लॉगर थोड़ा घुमा के आपको दिखाया। ये एक नंबर मोड़ चौराहा है, इसके सामने की ओर जाना है, एयरपोर्ट है। प्रदीप्ता ब्लॉगर रोड को क्रॉस करके यहाँ का पब्लिक जैसा बोला वैसे सीधा सीधा जाएगा। सामने की ओर फुटपाथ है, फुटपाथ सेफ्टी रास्ता होता है, आप सीधे जाते रहिए। यहाँ पब्लिक ने बोला मेरे को फिर आप बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाएंगे तो अब आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे को पहले रोड को क्रॉस करना पड़ेगा। अरे पब्लिक जो है रोड को क्रॉस करके आगे जाते हुए, तो पब्लिक के साथ हमको भी जाना है। ये रोड को क्रॉस करने से एयरपोर्ट मिलेगा। ये देखिए पब्लिक जैसा बोला, ट्रैफिक पुलिस हमको जैसा बोला वैसे ही एयरपोर्ट वाले रोड की ओर चलते आना है। सामने आगे की ओर फुटपाथ पकड़ के सामने जाते रहना है। आगे की ओर चलने से वेलकम टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड आपको दिखा ना, और सीधा सीधा आपको वहाँ चलते जाना, पूछ के, अगर पब्लिक बड़ा हेल्पफुल है पूछ के चलते आना है। अब एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर लोग देखिए अपना कैरी बैग ट्रॉली बैग को ले जा रहे हैं, इसको देखिए आप। से यहाँ का पब्लिक ने बोला कि आपको जो है दूर पे जो दिखता है ना ब्लू नीले रंग का बोर्ड, उधर चले आना है। ये कार पार्किंग का टोकन लेने का जगह है, लेकिन हम लोग को इधर जाना है सीधा। नीले रंग का बोर्ड दिखता है ना, पैदल पैदल वॉकिंग करके आगे जाना है। एयरपोर्ट आने के पहले देखिए ना, दिख रहा है ना आपको, एयरपोर्ट आ चुका है, इसी ब्लू ब्लू नीले रंग का गेट से आगे जाना है। कार पार्किंग वाला गेट से आपको अंदर की ओर आगे की ओर जाने से एयरपोर्ट मिलेगा। देखिए एयरपोर्ट में चारों तरफ कार पार्किंग वाला जगह है, और देखिए बाहर से जो रोड निकलेगा वही एयरपोर्ट में अंदर जाएगा। अभी निकलते हैं बाहर। प्रदीप्ता ब्लॉगर आम जनता जनरल पब्लिक को ये बोलना चाहता है कि कोलकाता सिटी से कोलकाता के एयरपोर्ट की ओर आप पैदल पैदल वॉकिंग करके अगर जाना है तो कार पार्किंग के जो रोड है उसके बीच से ही जा सकते हो। ये कोई मना नहीं, आपको मना नहीं करेगा।
ये अच्छी तरह जान लीजिए, कार पार्किंग अपने जगह पे है और जनता का आने जाने का रास्ता भी अपने जगह पे है, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब आपको क्या करना है इसको देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोलकाता एयरपोर्ट के जो बस अड्डा बस स्टैंड से ऑल ओवर कोलकाता सिटी में कहां कहां बस जाता है और बस का टाइमिंग, फर्स्ट बस का टाइमिंग कितना है, लास्ट बस का टाइमिंग कितना है, इसके बीच में लगातार बस आपको मिलता रहेगा। बस का फेयर कहां कहां कितना पड़ता है देखिए, कौन कौन सा बस स्टॉप इसको कवर करता है इसको देखिए, उसको प्रदीप्ता बिल्कुल ब्लॉगर बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा रहा है, ताकि इसको एक बार देखने के बाद आपको दोबारा इंटरनेट पे और कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देख लीजिए, 2-3 मिनट तक आपको बहुत टाइम सेविंग हो जाता है, टाइम बच जाता है और यह बहुत काम की चीज़ है। आपको इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करने का नहीं है, ऑल जो कोलकाता एयरपोर्ट से कहाँ का बस जाता है उसका डिटेल को प्रदीप्ता ब्लॉगर ने ऊपर से नीचे तक आराम से स्लो मोशन दिखाया, ताकि कोई चीज़ आपको छूट जाए तो दोबारा रिपीट करके आप उसको देख सकते हैं और अच्छा लग जाने से आप लास्ट में प्रदीप्ता ब्लॉगर को ना एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लग जाने से आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के लाल बटन को दबा के ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत काम का चीज़ प्रदीप्ता ब्लॉगर ने आपको दिखाया। ये बस स्टैंड जो लिखा है, इससे आगे सीधा जाने से कोलकाता सिटी में जाने वाला बस का जो स्टैंड है, कोलकाता एयरपोर्ट के स्टैंड है, इसको प्रदीप्ता ब्लॉगर भी आपको दिखाएगा। ये जो दूर से बस दिखाई देता ना, ये कोलकाता एयरपोर्ट का बस स्टैंड है। इसे ऑल कोलकाता में जहाँ जहाँ बस जाता है पूरा डिटेल लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है और यहीं से बस आपको पूरा कोलकाता में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे वहाँ का बस यहाँ आता है। टोटल एयर कंडीशन बस यहाँ पे चलता है। एयरपोर्ट में एसी बस जो है कितना कंफर्टेबल है, ये प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको दिखा रहा है। और देखिए मिडिल में बहुत सामान रखने की जगह है, लगेज ट्रॉली बैग ये जो जितना सामान रखने का जगह है ना, मिडिल ऑफ द बस में है। ये देखिए सामने एक बस है, आप प्रदीप्ता ब्लॉगर पीछे की ओर साइड में आ रहा है, दिखा रहा बस को देखिए, ये टोटल बहुत ही अच्छे एयर कंडीशन बस है। कोलकाता के एयरपोर्ट के जस्ट आउटसाइड में प्री पेड टैक्सी का पूरा लाइन लगा हुआ है, यहाँ इसको देखिए आप। ये कोलकाता एयरपोर्ट का उबर के द्वारा टैक्सी बुक करने का बूथ है। आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोलकाता एयरपोर्ट का इनसाइड का थोड़ा टूर करते हैं, इसको आप देखिए। इंटरनेशनल जगह से आने वाला यात्री का जो बाहर निकलने का गेट ही है, मस्त डिस्प्ले बोर्ड में सब कुछ फ्लाइट का डिटेल दिया हुआ है। चलिए एयरपोर्ट की इनसाइड का टूर करते हैं। यहाँ से विजिटर लोग एयरपोर्ट के अंदर इनसाइड में जा सकते हैं। एयरपोर्ट को एक और एंगल से आप देखिए, इसको आप देखिए, ये देखिए बिरयानी शॉप है, खड़े खड़े होके खाना पड़ता है। एयरपोर्ट में केयर कॉफी डे का शान को देखिए, शान और स्वागत को देखिए। ये सामने गेट नंबर 1 है, सामने टी जंक्शन है। ये कोलकाता एयरपोर्ट के बार रेस्टोरेंट के सामने ही एक टॉयलेट है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोलकाता एयरपोर्ट में या दमदम एयरपोर्ट में एक बार और रेस्टोरेंट है, इसको आप देखिए, ये 24 घंटे 24 आवर खुला रहता है। अच्छा लगने से आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा।